जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पति, पत्नी, माता पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने की सुझाव दिया जाता है। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति को अपने भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता है और जो अपने परिवार का ध्यान रखना और उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है, उसे PNB MetLife टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सलाह दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ की स्थिति के बारे में अस्पष्ट है, वह व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के तहत वार्षिक टैक्स बचाना चाहता है, उसे PNB टर्म MetLife टर्म इंश्योरेंस खरीदने की सलाह दी जाती है। इससे वह व्यक्ति इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ कवरेज भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज बात करेंगे PNB MetLife मेरा जीवन सुरक्षा योजना के बारे में। बीमा धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को नियमित आय या फिर एकमुश्त भुगतान प्रदान करने के विकल्प प्रदान करती है यह योजना। इस योजना में बीमा धारक अपनी जरूरतों के अनुसार अपने पति पत्नी को एक ही योजना में शामिल करने का विकल्प चुन सकते हैं और साथ ही साथ पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर प्रीमियम की वापसी का विकल्प भी चुन सकते हैं। योजना को केवल ऑफलाइन माध्यम से खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं। पॉलिसी के लिए प्रीमियम बहुत ही कम रखा गया है, जो 5,000 रुपये से शुरू होता है। यदि पॉलिसी रिटर्न ऑफ प्रीमियम विकल्प के साथ खरीदी जाती है तो परिपक्वता लाभ का भुगतान किया जाता है, जो कुल प्रीमियम का 100% होता है, बशर्ते बीमा धारक पॉलिसी परिपक्वता तिथि तक जीवित रहे। बीमा राशि या तो मृत्यु या टर्मिनल बीमारी पर देय होगी, चुने हुए विकल्पों के अनुसार होगी। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विकल्प हैं। बीमा की पूरी राशि का नामित व्यक्ति को बीमा धारक की मौत या टर्मिनल बीमारी की जांच के बाद एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। दूसरा विकल्प है जीवन साथी। बीमा धारक अपने पति या पत्नी को मूल कवर में शामिल कर सकते हैं, जिससे जीवन साथी को 50% सुरक्षा कवर प्राप्त होगा, लेकिन वह 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता है। लाभ विकल्प में अगर तीसरे विकल्प की बात की जाए तो निश्चित आय का भी विकल्प देती है यह योजना। इस विकल्प में बीमित राशि को 120 मासिक किस्तों में 10 साल के लिए एक मासिक आय का भुगतान किया जाएगा। और चौथा विकल्प यह है कि बढ़ती मासिक आय। पॉलिसी धारक के बाद नामित व्यक्ति लाभार्थी को 10 वर्षों के लिए मासिक आय का भुगतान किया जाएगा, जो कि हर साल 10% की दर से बढ़ता रहेगा। मृत्यु लाभ के लिए एक से ज्यादा लाभार्थी को नामांकित किया जा सकता है। महिलाओं के लिए प्रीमियम की कम दरें रखी गई हैं। तो दोस्तों, PNB MetLife मेरा जीवन सुरक्षा योजना की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।